हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हमें जैसे एक नंबर दे रखा है 784। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके पेयर बनाते हैं। ग्रुप द डिजिट इन द पेयर स्टार्टिंग विद द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। कहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको? यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एक पेयर बन गया और ये स्क्वायर बचा हमारा एक सिंगल डिजिट भी नहीं, तो जिसको जैसी है उसको वैसे ही रहने देंगे। और इसका जो पेयर्स में हम पढ़ेंगे इसको, वन वन जा वन, टू टू जा फोर, थ्री थ्री जा नाइन, ऐसा नहीं है थ्री फोर जा ट्वेल्व पढ़ें, नहीं, इसको पेयर में पढ़ेंगे। फोर फोर जा सिक्सटीन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स। इस तरीके से आपको ये स्क्वायर याद होनी चाहिए वन से लेके टेन तक। अब यहाँ पर हम वन वन जा वन छोटा है, टू टू जा फोर, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन सेवन से ज़्यादा हो गया ना, तो कितने टाइम्स जाएगा? टू टाइम्स, टू टू ज़ा फोर। हमने क्या किया, इसको सेवन में से फोर को माइनस कर दिया, कितना आया? थ्री। और उसकी नेक्स्ट पेयर लिखा, ऐसा नहीं है उसमें से एक नंबर लिखेंगे केवल, उसका हम पूरा पेयर लिखेंगे, यानी ये पूरा पेयर कितना आएगा? 84। या तो इसमें टू को ऐड करो या इस टू का डबल कर दो। टू का डबल कितना होगा? फोर। ये कितना आया? 384। अब इस 4 का डिवाइड देंगे हम 36 में, कितने टाइम्स आएगा? 9 टाइम्स। तो क्या लिखेंगे? 9 को यहाँ लिखेंगे, यानी 4 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जो 81 कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 कितना होगा? 36 और 8 44। ये कैसा हो गया? इस डिजिट से ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे? एक डिजिट कम कर लेंगे। यहाँ हमने 9 लिखा था, आप क्या लिखेंगे? 8। 8 को यहाँ लिखा, 8 को यहाँ लिखा, और इस 48 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आएगा? 384। यानी इसका जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आ गया? 28। इसे एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। 5329 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? पेयर्स बनाएंगे। दो पेयर्स बन गए। अब इसमें देखेंगे कितना आएगा, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 ज़्यादा हो गया 53 से, कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम्स, यानी 7 7 जा 49। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया? 4। अब इस 7 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 14। अब इस 14 का मल्टी डिवाइड करेंगे 42 में, कितने टाइम्स आएगा? 3। 3 को यहाँ लिखा और 3 को यहाँ लिखा। अब 143 में हमने मल्टीप्लाई किया 3 का, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4, यानी 429। रिमाइंडर कितना आ गया इसका? 0। तो यानी इस डिजिट का स्क्वायर रूट कितना निकल के आया? 73। अब आपको क्या करना है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको सभी के स्क्वायर रूट निकालने हैं बाय द मेथड ऑफ द लॉन्ग डिवीजन। इससे पहले हमने जो मेथड पढ़ा था वो कौन सा था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप जो मेथड किया है हमने वो कौन सा किया है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो आपको होमवर्क में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको फेयर नोटबुक में करना है।